वेलकम टू ऑटोमोबाइल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BS6 फेज 2 के बारे में। 1 अप्रैल 2023 से इंडिया में BS6 वाली गाड़ियां अब नहीं बिकेंगी, वो अब बंद हो जाएंगी और इनके बदले न्यू एमिशन नॉर्म्स BS6 फेज 2 वाली गाड़ियां भी बिकेंगी। इन सब में क्या चेंजेस होने वाला है और क्या 1 अप्रैल से सारी व्हीकल की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आपको और भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहले आते हैं कि ये BS4 और BS6 होता क्या है। एक्चुअली BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज और ये BS इमिशन नॉर्म्स है, मतलब कि जितनी भी पेट्रोल या डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उन सब में एक इंजन के अंदर जब डीजल या पेट्रोल चलता है तब उनमें से एग्जॉस्ट के रूप में जले हुए फ्यूल की गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। इनमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा, और ये गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होती हैं। इसलिए हमारे गवर्नमेंट सारे ऑटोमोटिव कंपनी को एक नॉर्म्स देती है, यानी कि एग्जॉस्ट से जो गैस निकल रही है उनमें एक लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं करना चाहिए। ये हो गया इमिशन नॉर्म। इस न्यू BS6 फेज 2 में RDE नॉर्म्स को लागू किया जा रहा है। RDE यानी कि रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म। इसमें रियल वर्ल्ड में गाड़ियाँ टेस्ट होगी, यानी BS6 में कंपनी लैब में टेस्ट कर दी थी, और इस BS6 फेज 2 में OBD2 सेंसर गाड़ी में लगाना मैंडेटरी रहेगा। तो 1 अप्रैल से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म वाली गाड़ियाँ ही बिकने वाली हैं और फेज 2 आने के बाद ऑब्वियसली गाड़ियों के प्राइस बढ़ने वाले हैं और हो सकता है कि पुरानी BS6 वाली गाड़ियाँ 1 अप्रैल तक कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी को 1 अप्रैल से पहले अपनी पुरानी BS6 वाली गाड़ियों के स्टॉक को ख़त्म करना है। और यामा कंपनी ने तो BS6 फेज 2 वाली गाड़ी लॉन्च कर दी है जो कि है FZS Version 4। होप ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।